वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद अब भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत के लिए जापान पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अपने समकक्षों के साथ साझा सहयोग के बारे में और साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार किया, साथ ही रक्षा संबंधों को और कैसे मजबूत करना इसे लेकर के भी दोनों देशों के बीच में बात हुई। भारत और जापान सैन्य अभ्यास, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। इस सहयोग में दोनों देशों के बीच पहली वायुसेना लड़ाकू विमानों का अभ्यास भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में दूसरे भारत जापान मंत्री स्तरीय 2+2 बातचीत में शिरकत की। इसमें जापान के रक्षा मंत्री याशुकाजू हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हायासी शामिल थे। बैठक के बाद संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक बिना किसी धमकी या ताकत का इस्तेमाल किए या यथास्थिति में एकतरफा बदलाव की कोशिश, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की पृष्ठभूमि में जयशंकर ने कहा कि संघर्षों और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं ने वैश्विक आर्थिक हालात को और बढ़ा दिया है। Obviously concentrate on the Indo-Pacific, but extend to many other regions, many other regional, global and multilateral platforms as well. The exchange of views on the crucial situations facing the international community today. इससे ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। ताइवान के खिलाफ चीन के आक्रामक रुख पर उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों को देखते हुए भारत और जापान के लिए विदेश नीति और सुरक्षा सवालों पर और अधिक घनिष्ठता से काम करने का मसला और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। टू थ्राइविंग डेमोक्रेसीज इन एशिया, वी आर परसुइंग ए स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। This year, we are celebrating 70 year of our diplomatic relations, and we are honored to hold an event to commemorate this in December in New Delhi, where personnel from both of our ground forces will come together for the show of Indian tent pegging and yabusame, the traditional Japanese horseback archery. वही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का अनुसरण कर रहे हैं, जो कि मुक्त, स्वतंत्र, नियमबद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार किया, खासतौर पर जिस तरीके से क्वाड लगातार आगे बढ़ा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन अपनी भूमिका को मजबूत करने में जुटा है। उस बीच जापान और भारत के बीच में होने वाली ये बैठक निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी। कैसी लगी हमारी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।